माया तज के अर्जुन ने उठाया जब धनुष, श्लोक गीता के सभी तब सार गर्भित हो गए। वाह। रकीब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं आदर के साथ सतीश शुक्ला रकीब को गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ आए और अपनी गजल पेश करें। आइए रकीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विजय रूप साहब को सादर प्रणाम करते हुए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं अपने दो विषयों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जहनो दिल में हर एक के उतर जाइए, जहनो दिल में हर एक के उतर जाइए, बन के खुशबू फजा में बिखर जाइए, बन के खुशबू फजा में बिखर जाइए, और गर्दिशे वक्त खुद ही पशे मान हो, गर्दिशे वक्त खुद ही पशे मान हो, राहे पुरखार से यूं गुजर जाइए। क्या बात है कि राह पुरखार से यूं गुजर जाइए। और एक मतला और दो शेर और, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ पांडे जी, आपका टाइम के अंदर मैं खत्म कर लूंगा। इस तरह हवा के दोष पर मतला देखें कि हवा के दोष पर किस गुल बदन की खुशबू है, क्या हवा के दोष पर किस गुल बदन की खुशबू है, गुमान होता है सारे चमन की खुशबू है। वाह। गुमान होता है, बहुत शुक्रिया, गुमान होता है सारे चमन की खुशबू है, और मेरे वजूद को मखमूर कर दिया इसने, मेरे वजूद को मखमूर कर दिया इसने, बड़ी अनोखी तेरे पैरहन की खुशबू है। बड़ी अनोखी तेरे पैरहन की खुशबू है। बहुत शुक्रिया कि गले मिली कभी उर्दू जहाँ पर हिंदी से, गले मिली कभी उर्दू जहाँ पर हिंदी से, मेरे मिजाज में उस अंजुमन की खुशबू है, मेरे मिजाज में उस अंजुमन की। मेरा लखनऊ से ताल्लुक है और चूंकि हिंदी और उर्दू दोनों की बात चल रही है तो एक मतलब और एक शेर और कि लोकप्रिय साहित्य को जब हम समर्पित हो गए, लोकप्रिय साहित्य को, मैंने गजल को लोकप्रिय साहित्य क्योंकि आजकल गजलें सब लोग कह रहे हैं, तवा आजमाई कर रहे हैं सब लोग जिनको नहीं आता है, हिंदी वाले उर्दू वाले, कि लोकप्रिय साहित्य को जब हम समर्पित हो गए, काव्यमय अभिव्यक्ति से तन मन प्रफुल्लित हो गए, काव्यमय अभिव्यक्ति से तन मन प्रफुल्लित हो गए। और चूँकि इस्कॉन में हरे रामा हरे कृष्णा में सर्विस करता हूँ तो मोह माया तज के अर्जुन ने उठाया जब धनुष श्लोक गीता के सभी तब सार गर्भित हो गए। वाह सागर साहब। कि मोह माया तज के अर्जुन ने उठाया जब धनुष, श्लोक गीता के सभी तब सार गर्भित हो गए। और एक और गजल किला मका मकीनों की, मतलब अर्ज किया विजय अरुण साहब कि ला मका मकीनों की, कुछ लोगों ने सुनी है दोबारा बर्दाश्त कर लें कि ला मका मकीनों की सूफियों की पीरों की, ला मका मकीनों की सूफियों की पीरों की, आज होंगी बातें बस इल्म के जखीरों की, आज होंगी बातें बस इल्म के जखीरों की। और शेर देखिए कि सूर जायसी तुलसी, देखिए मैं भूल जा रहा हूँ, एक उससे पहले का शेर है कि हर खुशी कदम चूमे कायनात की उसके रास आ गई जिसको सोहबते फकीरों की। क्या बात है कि हर खुशी कदम चूमे कायनात की उसके रास आ गई जिसको सोहबतें फकीरों की। और शेर हुआ कि सूर जायसी तुलसी और कबीर खुसरो को बेबसी से तकती हैं दौलतें अमीरों की, और बेबसी से तकती हैं
दौलतें अमीरों की, बहुत शुक्रिया कि शेर यूं भी हुआ कि जिस्म की सजावट में, जिस्म की सजावट में रह गए उलझ कर जो, जिस्म की सजावट में रह गए उलझ कर जो, रूह तक नहीं पहुंची फिक्र उन हकीरों की, रूह तक नहीं पहुंची फिक्र उन हकीरों की, और हाथ ही में कातिब ने हुजूर कि हाथ ही में कातिब ने लिख दिया है मुस्तकबिल, हाथ ही में कातिब ने लिख दिया है मुस्तकबिल, इल्म हो जिसे पढ़ ले ये जुबान लकीरों की। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कि हाथ ही में कातिब ने लिख दिया है मुस्तकबिल, इल्म हो जिसे पढ़ ले ये जुबान लकीरों की, और राह हक पे चलकर ही मंजिलें मिलेंगी अब, राह हक पे चलकर ही मंजिलें मिलेंगी अब, है नहीं जगह कोई बेसबब नजीरों की, है नहीं जगह कोई बेसबब नजीरों की, और देख ले रकीब आकर गर नहीं यकीन तुझको, देख ले रकीब आकर गर नहीं यकीन तुझको, एक गुनाह से पहले जिंदगी असीरों की, क्या गुनाह से पहले जिंदगी असीरों की, ला मकाम मकीनों की सूफियों की पीरों की, आज होंगी बातें बस इल्म के जखीरों की। बहुत शुक्रिया।